हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड दीपक एसनेगी फ्रॉम VFX Forever ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों को कुछ DSLR फिल्म मेकिंग टिप्स देना चाहता हूँ, जो कि पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ। मेरा ये ट्यूटोरियल बेसिकली सिनेमेटोग्राफी के लिए है, वीडियो के लिए है। मैं फ़ोटोग्राफी को ज़्यादा टच नहीं कर रहा हूँ। तो सो अगेन, स्टैंडर्ड मींस डिफ़ॉल्ट सेटिंग, और उसी के जस्ट नीचे हमारा न्यूट्रल सेटिंग दी हुई है, जो कि आप हर कैमरे में देखने को मिलेगा आपको। और देन फिर हमारी तीसरी सेटिंग है विविड। बेसिकली मैं इन तीन सेटिंग्स पे ज़्यादा वर्क करता हूँ, इसीलिए मैं इन्हीं तीन सेटिंग्स को आपको बताऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ये तीन सेटिंग्स समझ गए तो आप बाकी की और चीज़ें भी समझ जाओगे। हम लोग मोस्टली अपने वीडियोज़ स्टैंडर्ड सेटिंग पे ही जाते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड के अंदर जाता हूँ तो आप इस तरह की एक और उसका सब मेन्यू आपको ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड की शार्पनेस और कंट्रास्ट, अपनी इमेज की, अपनी फुटेज की ब्राइटनेस और उसकी सैचुरेशन, उसका ह्यू यानी उसकी कलर इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आप जान सकते हो। बेसिकली यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इसी को कस्टम कर देते हैं। ये कैमरे की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आप इसको कस्टम भी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे सिनेमाटोग्राफर ये चीज़ यूज़ करते हैं कि वो पूरी शार्प अपने इमेज की, जो क्योंकि वो वीडियो बनाने जा रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि वो अपने वीडियो को बहुत ज़्यादा शार्प रखें, तो वो पूरी शार्पनेस अपनी कम कर देते हैं, कंट्रास्ट उसी लेवल पे रखते हैं, ब्राइटनेस उसी लेवल पे रखते हैं, सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं या थोड़ा सा डीसेचुरेट भी करते हैं बहुत सारे लोग। और ह्यू, क्योंकि कलर्स चाहिए तो ह्यू आप बढ़ा दोगे, कलर्स कम चाहिए तो आप ह्यू को कम कर सकते हो। सी, मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली स्टैंडर्ड है जिसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ, न्यूट्रल है एंड देन विविड है। अगर आप ये तीन चीज़ें समझ जाते हैं तो आई थिंक एज अ बिगनर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि आपको कैसे स्टार्ट करनी है अपनी सिनेमाटोग्राफी। इन तीनों को शूट किया है अपने D7000 कैमरे से, निकॉन का काफ़ी इफ़ेक्टिव कैमरा है। और मैंने इसलिए क्योंकि अगर आप उस निकॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाओगे तो आप D7000 की स्पेसिफ़िकेशन देख सकते हो। ये उसी कॉस्ट पे है जो आजकल बेसिकली कोई भी बिगनर अगर सिनेमाटोग्राफी करना स्टार्ट करता तो इसी लेवल के कैमरे लेता है, इसीलिए मैंने ये कैमरा चूज़ किया है। बेसिकली बहुत अच्छा कैमरा है, ये फ़ोटोग्राफी का भी जो पर्पस है वो भी सॉल्व होता है, और बहुत अच्छा वीडियो क्वालिटी भी आपको इस कैमरे में मिलता है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको ये यूज़ करना है। बहुत सारे लोग कैनन यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग निकॉन यूज़ करते हैं, तो इन दोनों में भी कंपैरिजन हम लोग नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में देखेंगे। बेसिकली आज अपना मोटिव है ये समझना कि कौन सी प्रोफाइल पे मुझे शूट करना चाहिए। तो बहुत सिंपल से एग्जांपल हैं जो अभी हम लोग देखेंगे। मैंने तीनों फुटेजेस को शूट किया है डिफरेंट प्रोफाइल पे, स्टैंडर्ड पे, नेट न्यूट्रल पे एंड देन विविड पे। आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये एक फुटेज है जो तीन प्रोफाइल पे शूट करी गई है, लेकिन सेम लाइटिंग कंडीशन पे आप देख सकते हैं। और ये सबसे पहली फुटेज है जो आप देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे शूट की गई है। सेकंड उसके जस्ट सामने ये न्यूट्रल पे शूट की गई है, देखिए। और देन उसके जस्ट आगे मैंने नेक्स्ट क्लिप में विविड पे शूट किया। तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कलर में कितना वैरायटी ऑफ चेंजेस यहाँ पे आ रहा है, जो हमारी सबसे पहली डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अगर आप इसके वीडियो को देखें, बेसिकली मैंने इसको शूट किया है D7000 निकॉन में, और मैंने एक प्राइम लेंस यूज़ किया है जो कि निकॉन का ही है। सो 35mm प्राइम लेंस का यूज़ करके मैंने ये शूट किया है। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड सेटिंग पे मेरे जो कलर हैं वो ठीक है, अच्छे आ रहे हैं, एंड देन मेरा स्किन टोन भी ठीक ठाक ही है, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है शेडो की वो भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। तो स्टैंडर्ड तभी, किसी भी कैमरे में स्टैंडर्ड प्रोफाइल एक परफेक्ट प्रोफाइल होती है किसी भी चीज़ को शूट करने के लिए। तो ये है आपकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल, जो बेसिकली हर सिनेमेटोग्राफर, बिगनर सिनेमेटोग्राफर या हर फोटोग्राफर जो कि स्टार्ट करता है वो यूज़ करता है बिना कोई चेंज किए। तो ये है स्टैंडर्ड प्रोफाइल।
और देन जस्ट उसके आगे मैं आता हूँ न्यूट्रल में। न्यूट्रल में एक चीज़ हो गई, स्टैंडर्ड जितना कलरफुल था न्यूट्रल उतना कलरफुल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डीसेचुरेटेड हैं, कलर इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी डल हो गई है, और हम लोगों को शेडो भी क्योंकि काफ़ी डार्क नहीं बोल सकता मैं इसको, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर टी शर्ट का क्या टेक्सचर है, उसमें शेडो अप्लाई हो गई है। फाइन, तो मैं अपनी नेक्स्ट प्रोफाइल में जाता हूँ जो कि है विविड, और आप विविड देख सकते हो कि पूरा कलरफुल है। फाइन, बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट भी है उसमें, और इवन आप देख सकते हो डार्क पोर्शन पूरा डार्क है, पूरा निकल के आ रहा है, एंड देन जो ब्राइट है कलर्स हैं वो भी बहुत निकल के आ रहा है, जैसे ऑलरेडी इसमें हम लोगों ने कुछ कलर करेक्शन यूज़ कर लिया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है मैं कब स्टैंडर्ड यूज़ करूँ, मैं कब न्यूट्रल यूज़ करूँ, और मैं कब विविड यूज़ करूँ। बेसिकली मैं विविड का यूज़ बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि विविड का यूज़ करके अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा मुझे पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मैं वहाँ पे फिर कोई भी लुक उसमें ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी फुटेज में ऑलरेडी कलर करेक्टेड फुटेज लग रही है। ये आप देख सकते हैं कलर सारे इन्हेंस हो गए हैं, मुझे फिर पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर में आके, प्रीमियर में आके मुझे इनको थोड़ा डीसेचुरेट करना पड़ेगा। इसका एक रीज़न और भी है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। आप अगर वेक्ट्रोस्कोप देखें, आप देख सकते हो कि जो मेरी पहली प्रोफाइल है स्टैंडर्ड, उसका जो कलर इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा मेरे लेवल से बाहर है। वेक्ट्रोस्कोप बेसिकली हम लोग ये जानने के लिए देखते हैं कि मेरा जो फुटेज है उसमें जो कलर इन्फॉर्मेशन है वो लीगल है या इलीगल है। तो आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला जितने भी पोर्शन है, ये अगर मेरा कलर इससे बाहर जाता है तो वो इलीगल कैटेगरी में आता है, यानी आप अगर अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा कलर्स इन्हेंस कर देते हो और वो इससे ऊपर चले जाते हैं इस रेंज से, दैट मीन्स आपके कलर जो आपकी फुटेज है वो इलीगल कैटेगरी में जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना कलर करेक्शन, ये जो नीचे के 3 बार दिए हुए हैं, 3 जो मेरे लिमिटेशंस दी हुई हैं, ये यहाँ तक रखें। तो ये मेरी पहली फुटेज है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि हाँ ये कलर थोड़े से कभी कभी शिफ्ट हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, तो यानी मुझे पोस्ट प्रोडक्शन में आके इनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो मेरी पहली फुटेज है उसमें मुझे पोस्ट प्रोडक्शन में आके एक वर्क करना पड़ेगा, और वो ये है कि मुझे अपनी फुटेज को थोड़ा सा डीसेचुरेट करना पड़ेगा, यानी ये काम मुझे यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन में आके करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे जो कलर इन्फॉर्मेशन है वो इलीगल कैटेगरी में जा रही है। फाइन, देन जैसे ही मैं अपनी दूसरी कैटेगरी में आता हूँ जो कि वेक्ट्रोस्कोप में मैं आप दिखाता हूँ, ये मेरी दूसरी कैटेगरी है। तो आप देख सकते हो ये न्यूट्रल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी कलर इन्फॉर्मेशन है वो इस लेवल से आगे नहीं जा रही, देख सकते हैं, और इसमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस फुटेज में मुझे ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे अपनी फुटेज को दोबारा पोस्ट प्रोडक्शन में लाना पड़ेगा और उसको टिंट डाल के थोड़ा सा डीसेचुरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कैप्चर हुआ है वैसे। देन हमारे पास जो तीसरी प्रोफाइल है विविड, आप देख सकते हो अगर मैं वीडियो प्रोडक्शन की बात करूँ तो ये पूरा ही इलीगल कैटेगरी में जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कलर इन्हेंसमेंट हो रखा है ऑलरेडी, यानी मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कलर करेक्शन का वर्क करना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस ट्यूटोरियल में मैंने बताई है आप लोगों को, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा जितने भी बिगिनर्स हैं। और मैं दोबारा वीडियो में जा रहा हूँ, ये तीनों जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स हैं इनमें आप कब क्या यूज़ करो मैं अब वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल या न्यूट्रल प्रोफाइल, न्यूट्रल प्रोफाइल बेसिकली मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं मैक्सिमम चीज़ न्यूट्रल में शूट करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें एक सिनेमैटिक लुक ऐड करना है। लेकिन तब जब मैं शॉर्ट मूवीज़ के लिए वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं शॉर्ट मूवीज़ के लिए वर्क कर रहा हूँ या मैं कुछ फिल्म मेकिंग का वर्क कर रहा हूँ, देन मुझे उसको एक सिनेमैटिक लुक में कन्वर्ट करना पड़ता है। उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो आई थिंक न्यूट्रल एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आप अपने मूवी को पूरा न्यूट्रल में शूट करिए, क्योंकि फिर आप
पोस्ट प्रोडक्शन में आके इसको एक बहुत अच्छा सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपकी फुटेजेस थोड़ी सी डिसैचुरेटेड रहती है, जो कि इलीगल नहीं, लीगल कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड प्रोफाइल में अगर आप कुछ शूट करना चाह रहे हो, बेसिकली स्टैंडर्ड प्रोफाइल फ़ोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। लेकिन हाँ, अगर मैं वीडियोग्राफी की बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा कलर करेक्शन इसमें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा चीज़ें इन्हेंस हैं। बट अगर आप सिनेमेटोग्राफी में जा रहे हो या वीडियो प्रोडक्शन में जा रहे हो, तो आई थिंक स्टैंडर्ड से ज़्यादा अच्छी मुझे न्यूट्रल प्रोफाइल लगती है, क्योंकि इसमें मुझे एक सिनेमैटिक लुक मिलता है। हाँ, अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्री का वर्क कर रहे हो या कुछ वेडिंग सिनेमेटोग्राफी पे जा रहे हो, या वेडिंग, क्योंकि वेडिंग में ज़्यादा या डॉक्यूमेंट्रीज में आपको क्वालिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, आप उस टाइम स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे भी शूट कर सकते हो, क्योंकि फिर आप उसको पोस्ट प्रोडक्शन में कन्वर्ट करोगे। लेकिन अगर मुझे कुछ सिनेमैटिक्स लुक्स के कवर करने हैं, या मैं अपनी पर्सनल कुछ सिनेमेटोग्राफी की रील बना रहा हूँ, या मुझे मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पे कुछ शूट करना है, या मुझे अपने पर्सनल कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ या कुछ शूट्स बनाने, क्योंकि वहाँ पे पूरी चीज़ें मुझ पे डिपेंड है कि मैं अपनी मूवी का लुक कैसा देना चाहता हूँ, तो मैं न्यूट्रल पे शूट करूँगा। पूरा डिपेंड करेगा आपके क्लाइंट पे कि वो कैसा आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर उसको सिर्फ क्वालिटी चाहिए, लेकिन आप एक नॉर्मल DSLR से उसको क्वालिटी देना चाह रहे हो, तो आई थिंक आपको स्टैंडर्ड पे जाना चाहिए। लेकिन अगर उसको एक सिनेमैटिक लुक चाहिए, और क्योंकि अपने पास कोई महंगा इक्विपमेंट या महंगी एसेसरीज या महंगा कैमरा नहीं है, तो आप आई थिंक न्यूट्रल पे टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं न्यूट्रल पे वर्क करूँ। विविड मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चीज़ें कलर करेक्टेड रहती हैं या ऑलरेडी इन्हेंस रहती हैं, और ये पूरा का पूरा इलीगल कैटेगरी में जाता है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मैक्सिमम इसमें कलर इन्फॉर्मेशन है। सो फॉर सिनेमेटोग्राफी आई थिंक न्यूट्रल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, बट ये पूरा आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसको यूज़ करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि व्हाई आई यूज़ न्यूट्रल प्रोफाइल। आप देख सकते हो कि ये तीन प्रोफाइल्स हैं, मैं तीनों में कलर करेक्शन करता हूँ। मैंने इसमें एक अपना कलर करेक्शन ऐड किया है, आप देख सकते हो थोड़ा छोटा सा ऐड किया है मैंने इसमें, ब्लू और ऑरेंज टोन को मिक्स किया है। तो ये है एक सिंपल सा कलर करेक्शन। बट इन अदर हैंड ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डार्क हो गई हैं और थोड़ी सी इन्हेंस्ड भी हैं ऑलरेडी, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही इन्हेंस हो गई हैं, और ये कहीं ना कहीं विविड कैटेगरी में चला गया है। बट यहाँ पे अभी भी चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हैं, ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है कलर करेक्शन ऐड करने के बाद भी। तो कलर करेक्शन के बाद आप कलर ग्रेडिंग में जाते हो। कलर ग्रेडिंग का सेंस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मूवी को कैसा लुक दे रहे हो, सबका अपना अपना सेंस होता है, जो कि आप बाद में यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली न्यूट्रल मेरे लिए बेस्ट प्रोफाइल है, क्योंकि आप अगर इसको एक सिनेमैटिक लुक देना चाहते हो, तो कलर ग्रेडिंग के बाद आप इसको पूरा एक सिनेमैटिक लुक में कन्वर्ट कर सकते हो। आप देखिए, मैंने सिनेमास्कोप स्ट्रिप ऐड करी है, और इसके बाद ये है हमारा विविड। तो आप खुद देख सकते हो कि आपके लिए कौन सी प्रोफाइल अच्छी है। सो बेसिकली ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो जितने भी बिगनर सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं उनके लिए, तो आई थिंक हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट है न्यूट्रल प्रोफाइल। और बहुत सारे लोग सेटिंग में जाके बहुत सारे चेंजेस करते हैं, तो आप प्लीज़ न्यूट्रल में शूट करिए। और अगर आप कुछ भी सिनेमैटिक बनाने की सोच रहे हो, जिसमें आपके क्लाइंट ने बोला है कि नहीं आप कुछ भी यूज़ करिए, बस वो सिनेमैटिक लुक में आना चाहिए, तो आप अपनी मूवी का शार्पन कम कर सकते हो, ह्यू थोड़ा सा डीसेचुरेट कर सकते हो, सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करिए, ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, एंड देन शूट करिए। वो आपकी कस्टम प्रोफाइल होगी। अगर अभी क्योंकि इनिशियल लेवल पे हम लोग, तो आई थिंक न्यूट्रल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और ये हम लोग यूज़ करके काफ़ी अच्छा सिनेमैटिक लुक यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी फुटेज में जितनी चीज़ों को पोस्ट प्रोडक्शन में, जितनी चीज़ें अपनी फुटेजेस में आप अप्लाई करोगे, आपकी जो कलर इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रैक्ट होती है। तो आप कोशिश करें कि जितना उसको हम लोग पहले ही प्री प्लान कर लें, और जितना कम हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन उसमें कलर करेक्शन छेड़ें, उतनी ही सिनेमैटिक आपकी फुटेज होगी और उतनी ही क्वालिटी आप मेंटेन कर सकते हो। मैं आपका दोस्त देसी सिनेमेटोग्राफर दीपक हसनेगी फ्रॉम VFX Forever Blog। थैंक यू सो मच।